हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। एज वी नो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर सिक्स एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिक्स एलिमेंट्स होते हैं क्या? थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। अब इसी थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स के बेस पे हम ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, मींस उसके टाइप्स बताएंगे कैसा कैसा वो ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद I'll discuss with you on the basis of sides. On the basis of sides. Sides के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसी होती है ट्राइंगल की? Sides के बेस पे ट्राइंगल तीन तरह के हो सकते हैं। First one is scalen. Scalen ट्राइंगल कौन सा होता है जिसकी all sides are different? कोई भी साइड किससे से मैच नहीं करती, देन दैट इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल। ध्यान रखो, स्केलन ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस मींस व्हिच हैज टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। द नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ इक्विलेटरल नाम से ही आपको पता चलता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, माइंड में रखना है, आपको टाइप्स बतानी पड़ेगी ट्रायंगल की। तो आई रिपीट, स्केलन, स्केलन बोलते हैं इसको। स्केलन मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देन आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स इक्वल, तीसरी अलग है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अब हम अगली क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब इसमें ज़रा एक चीज़ ध्यान से सुनना, एंगल्स की क्लासिफिकेशन पहले आपको आनी चाहिए। देखो, जो एंगल्स जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री के बिटवीन होते हैं, बिटवीन जीरो एंड 90 होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, एंड एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 एंड 180 दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स। अब इन्हीं पे बेस्ड अपने ट्रायंगल्स बनेंगे। नाउ ऑन दीज बेसिस वी विल हैव ट्रायंगल्स। वैसे ही आपने फोर्थ में करा हुआ है, लाइक अगर इफ वी हैव a triangle with all the angles acute, means सारे angle less than 90 हैं, then that is called acute angled triangle या acute triangle, दोनों तरह से correct है। दूसरी है obtuse triangle या obtuse angled triangle। इसमें क्या होगा? इन दिस ट्रायंगल वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूस। अब देखो, ज़्यादा एंगल्स ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। वन एंगल ऑब्ट्यूस होगा क्योंकि एंगल्स की कंडीशन है, जब हम तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो वो 180 बनना चाहिए। अगर 180 से ऊपर नीचे बनता है वो ट्रायंगल नहीं बनती। तो अगर हमने 180 बनाना है तो एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, दो ऑब्ट्यूस कर देंगे तो 180 से ज़्यादा सम हो जाएगी उसकी। तो एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल होएगी। सिमिलरली राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, इसमें क्या होगा? इसमें राइट से आपको पता चलता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, यानी कि राइट होगा। वन एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री।
बाकी एक्यूट होएंगे। तो एक्यूट एंगल टू ट्रायंगल में ऑल एंगल्स, एंगल का सिंबल है, ऑल एंगल्स एक्यूट होने चाहिए। ऑब्ट्यूस में वन एंगल ऑब्ट्यूस एंड राइट में वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट मीन्स 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन, होप यू हैव अंडरस्टूड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके।